हमारे डॉग्स अपने पैक के मेंबर्स से सीखते हैं, यानी हमसे। लेकिन क्या वो अपनी स्पीशीज से अब नहीं सीख पाते? एक जगह है जहां साइंटिस्ट्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वियना, ऑस्ट्रिया के वुल्फ साइंस सेंटर में सोफिया विरानी और उनकी टीम ने केनाइन बिहेवियरल स्टडीज की शुरुआत की थी। शेक हैंड, सिट। डॉग्स और वुल्फ्स के बच्चों को साथ रखने पर वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। आज सोफिया का डॉग टोडी और एक ग्रे वुल्फ इन्हें ये फर्क समझने में मदद कर रहे हैं कि डॉग्स और वुल्फ सीखते कैसे हैं। पहले सोफिया लीवर ऑपरेटेड पजल बॉक्स में खाना रखेंगी, फिर इसे खोलने के लिए ट्रेन टोडी वुल्फ को दिखाएगा कि ये कैसे करना है। पजल बॉक्स को फिर से सेट कर दिया गया है, पर क्या वुल्फ ने जो देखा है वैसा करके वो उसे खोल पाएगी? बिना किसी मुश्किल के इसने बहुत कम टाइम में इसे खोलकर खाना ले लिया। यही एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया, पर एक पालतू डॉग जूरी के साथ। क्या ये वुल्फ जैसा कुछ करके दिखाएगी? देखा गया है कि डॉग्स और वुल्फ्स में क्लियर डिफरेंस है। ज्यादातर डॉग्स डर गए और बॉक्स नहीं खोल पाए। थोड़ी ही देर में बॉक्स छोड़कर वो ह्यूमंस के पास चले गए और उन्हें देखने लगे, उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करने लगे। लगता था जैसे मदद मांग रहे हैं। सोफिया को लगता है कि इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये है कि डॉग्स सीखते कैसे हैं। हमारे घर में डॉग्स को दूसरे डॉग से सीखने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमने ले ली है। हम उनके पैक की तरह बन जाते हैं और उन्हें हमसे प्रोटेक्शन, प्यार और खाना सब कुछ मिल जाता है। वियना के इस डॉग लैब में ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या डोमेस्टिक डॉग्स में भी फेयरनेस की फीलिंग होती है। एक डॉग से हैंडशेक करने को कहा गया, पर इसके बदले वो जो खाना एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसे नहीं दिया गया। ये सोचकर कि प्यार से बार बार कोशिश करने से बात बन जाती है, वो 20 बार अपना पंजा बढ़ाता रहा। उसके बाद ही उसने ऐसा करना बंद किया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में दो डॉग्स रखने पर बात बदल जाती है। यहाँ ये दो डॉग्स हैं जो एक ही घर में साथ रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में डॉग से बारी बारी पंजा आगे करने को कहा जा रहा है और सॉसेज दिया जा रहा है। इसके बाद एक बहुत बुरा टेस्ट किया गया। अब सिर्फ राइट वाले को सॉसेज दिया जा रहा है, लेफ्ट वाले को उसकी मेहनत के लिए कुछ नहीं मिल रहा। अब सवाल ये है कि जिस डॉग के साथ सही नहीं हो रहा है, क्या वो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिवली रिएक्ट करेगा? ये समझ गई है कि यहाँ कुछ अनफेयर हो रहा है, इसलिए अपनी फीलिंग साफ दिखा रही है। इसी स्टडी में 27 दूसरे डॉग्स ने भी यही फीलिंग्स दिखाई। अकेले इन्होंने 20 बार पंजा बढ़ाने के बाद हार मानी थी, लेकिन किसी और डॉग के सामने ये 10 बार में ही हार मान जाते हैं, जिससे साइंटिस्ट ने समझा कि सभी डॉग्स में, चाहे वो वाइल्ड हो या डोमेस्टिक, फेयरनेस की फीलिंग होती है। वो चाहते हैं कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। डोमेस्टिक डॉग्स बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी इंसानों के साथ रहे हैं, और ये पॉसिबल हो पाया है नए माहौल में अडैप्ट करने की उनकी एबिलिटी की वजह से। कोयोटीज इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इनका साइज इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव वुल्फ से आधा है, पर इनके अडैप्ट करने की एबिलिटी उनसे ज्यादा है।
ये कम खाते हैं, हर तरह के मौसम में रह लेते हैं। हैबिटेट की कमी का सामना करने के लिए भी इनके पास एक तरीका है। दूसरे स्पीशीज से अलग, जब कोयोटीज को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकलना पड़ता है तो वो नए माहौल में अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं, जैसे शिकागो में, जो अब हजारों कोयोटीज का घर बन गया है। पिछले 10 साल में इनके देखे जाने के इंसिडेंट्स 3000% ज्यादा हो गए हैं। रिसर्च इकोलॉजिस्ट शेन मैकेंजी पिछले 6 साल से शिकागो के इन अर्बन कोयोटीज को ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ 1000 से ज्यादा कोयोटीज को टैग किया है। उन्होंने देखा कि ये कोयोटीज इतनी अच्छी तरह सब कुछ हैंडल कर रहे हैं कि इनकी लाइफ दूसरे जंगली डॉग से ज्यादा लंबी हो गई है, और ये सिटी लाइफ को समझकर अडैप्ट करने की एबिलिटी से हो पाया है। उन्होंने तो हाईवे के रूल्स भी सीख लिए हैं। मुझे लगता है वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमने जिन कोयोटीज को स्टडी किया है वो इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं कि ट्रैफिक लेफ्ट से आता है तो वो रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट देखते हैं फिर राइट। उन्हें समझ में आता है कि हमारे सिस्टम में जीने के लिए कैसे काम करना है। कोयोटीज ने हमारे हिसाब से अपना शेड्यूल एडजस्ट कर लिया है। इन सबर्ब्स और सिटी एरियाज में ये ज्यादातर रात में दिखते हैं, अनलाइक विलेज डॉग्स। ज्यादातर ये कोयोटीज हमारे सोने का वेट करते हैं, कि ट्रेन्स कम हो जाएं और रोड्स पर लोग कम हो जाएं, तब तक वो अंधेरे में ही रहते हैं। मुझे तो लगता है शिकागो में ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ये यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोगों को शायद ये सीक्रेट ना पता हो, पर इस ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की वजह से शेन को पता चल रहा है कि ये अर्बन कोयोटीज यहाँ किस तरह रहते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि लोगों की नजरों से कैसे दूर रहना है। वो सिटी के उन एरियाज में रहते हैं जिन्हें हम छोड़ चुके हैं। जीपीएस ट्रैकिंग से पता चलता है कि वाइल्ड डॉग्स की तरह अर्बन कोयोटीज भी पैक्स में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अकेले या एक ही साथी के साथ चलते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने रेल नेटवर्क को डॉग्स का सुपर हाईवे बना दिया है। कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कोयोटीज ने टाइम टेबल भी समझ लिया है और तभी चलते हैं जब ट्रेन्स कम हो। ये बहुत इंटेलिजेंट बिहेवियर है जिससे इन्होंने इतने बड़े शहर में शॉर्टकट्स का अपना अलग सिस्टम बना लिया है। सिटी के इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट्स पर ये कोयोटीज हमसे ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, स्पेशली रश आवर में। हमें यहाँ ट्रैकिंग करने पर बार बार डेड एंड्स, वन वे स्ट्रीट्स और बंद गेट वाले पार्किंग एरिया ही मिल रहे हैं। इन कोयोटीज को जितना चालाक समझा जाता है ये उससे भी ज्यादा हैं।